welcome to my channel. I am your chef Muniba Tahseen. Hope you all are fine. So viewers, आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम बनाना. मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं मैंगोस, मिल्क, शुगर, येलो कलर, विप क्रीम एंड कॉर्न फ्लावर. सो व्यूअर्स, मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं. मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में दूध ले लेंगे. आप लोग चाहें तो डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ. इसके अंदर हम लोग एक कप चीनी डालेंगे और इसके बाद हम लोग इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे. जब ये उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर एक कप दूध में, कच्चे दूध में कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून हल कर इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करना है. याद रहे, आप लोगों ने उबलने के साथ साथ ही इसके अंदर शामिल करना है. इस चीज का खास ख्याल रखना है. आप लोगों ने तेजी से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है. अगर आप लोग तेजी से चम्मच नहीं चलाएंगे तो आप लोग जब कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे तो वो लम्स की शक्ल में साइड में जमता रहेगा. अब हम लोग इसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ येलो कलर डालेंगे क्योंकि हम लोग मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं. अगर आप लोग चाहें तो जब उबल रहा हो दूध जब भी शामिल कर सकते हैं. किसी भी स्टेज पे आप कलर शामिल कर सकते हैं. अपने हिसाब से आप लोग कलर ले लेंगे, आप लोग कितना इसको येलो करना चाहते हैं. तो चलिए अब हम लोग इसको उबालने के लिए फ्लेम पे रखते हैं. अब हम लोग 1 कप दूध में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे. तो इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद बॉईल हुए हुए दूध में शामिल कर देंगे. सो व्यूअर्स, ये देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है. तो अब हम लोग इसको जो हमारा दूध बॉईल हो रहा है उसके अंदर शामिल करेंगे. इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए. सो व्यूअर्स, दूध गर्म हो गया है. अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख देंगे. सो व्यूअर्स, जब तक दूध ठंडा हो रहा है हम लोग इतने मैंगोज को वॉश कर लेते हैं. सो व्यूअर्स, मैंगो वॉश कर लिए हैं, अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं. कोशिश करें कि आप लोग जब मार्केट से आम लें तो चेक कर कर लें, मीठे आम लें.
मैंगोज भी कट कर लिए हैं। अब हम लोग जूसर में सबसे पहले हम लोग ये वाला जो हम लोगों ने दूध उबाला है ये लेंगे। अब हम लोगों ने जो मैंगोज कट किए थे स्मॉल क्यूब्स वो डालेंगे इसमें। आप लोग चाहें तो मैंगो एसेंस भी साथ ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही। ओरिजिनल में जो टेस्ट आता है वो एसेंस से नहीं आता है। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी विप क्रीम यूज कर रही हूँ, विपी विप की क्रीम यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हर चीज में ही ये बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा जो दूध है इसको बहुत ज्यादा क्रीमी करेगा। जब हम लोगों की आइसक्रीम रेडी हो जाएगी तो वो भी बहुत क्रीमी बनेगी। मैं हाफ कप क्रीम ऐड कर रही हूं। अब हम लोग इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से। सो व्यूअर्स ये ब्लेंड हो गया है। अब हम लोग इसको एक बाउल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग आइसक्रीम मोल्ड में इसको कन्वर्ट कर लें या फिर आप डायरेक्टली इसको स्टील के बाउल में जमाएं। आप लोग चाहें तो इसे प्लास्टिक के बाउल में भी जमा सकते हैं, उसमें भी अच्छी जमेगी, लेकिन स्टील के बाउल में ये 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर जम जाएगी। कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग इसके कैप लगा देंगे। सो व्यूअर्स हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब आप लोग इसको 8 to 10 hours के लिए फ्रिज में रख दें। और हम लोगों ने जो स्टील के बाउल में कन्वर्ट किया है वो एटलीस्ट 5 hours में ये जम जाएगी आप लोगों की आइसक्रीम। उसके बाद आप लोग इसको एंजॉय करें। तो चलिए अब हम लोग इनको फ्रिज में रखते हैं। सो व्यूअर्स मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हम लोग चॉकलेट को जो है वो मैश कर लेते हैं। आप लोग किसी भी ब्रांड की चॉकलेट ले सकते हैं। हम लोग थोड़ी सी चॉकलेट को जो है ले लेंगे, इसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको एक स्टील के बाउल में डालेंगे। इधर मैंने पानी को बॉईल करके रखा है, हम लोग इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे। आप लोग चाहें तो ओवन के अंदर भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। देखें ये मेल्ट हो गई है। अब आप लोग इसको किसी एक ग्लास में या कप में ट्रांसफर कर लें। सो व्यूअर्स अब हम लोग इसको ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। सो व्यूअर्स आइसक्रीम जो है हमारे
हमारी जम गई हैं और हम लोगों ने चॉकलेट भी कन्वर्ट कर ली है। अब हम लोग इसको आहिस्ता से निकालेंगे। ये देखें ये कितनी अच्छी बनी है। अब आप लोग इसको इसमें डिप करें हल्के से। ये देखें ये इस पे जमना भी स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से हम सारी आइसक्रीम्स के साथ करेंगे। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने जो आइसक्रीम स्टील के मोल्ड में जमाई थी वो भी देखें कितनी अच्छी जमी है। अब हम लोग इसको भी जो है आइसक्रीम बाउल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने ये आइसक्रीम भी कन्वर्ट कर ली है। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे चॉकलेट के साथ ही। जैसे कि आप लोगों को बताया कि चॉकलेट के साथ मैंगो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। सो व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम स्टिक्स और जो हम लोगों ने स्टील के बाउल में जमाई थी वो भी आइसक्रीम बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब आप लोग इतनी झटपट बनने वाली आइसक्रीम को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।